الله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها हज़रे निगरामी क़यामत की छोटी अलामतें यानी वो अलामतें जो क़यामत से बहुत पहले ज़ाहिर होंगी उनके ताल्लुक से मालूम कर रहे हैं। उनमें से एक बात है फितनों का ज़ुहूर होना। आखिरी ज़माने में फितना सर चढ़ के बोलेगा, बड़ा पुरफितन दौर होगा, हर जगह फितना ही फितना होगा। घर के अंदर हो, बाहर हो, तिजारतों कारोबार की जगह हो या तालीमी मैदान हो, इबादत गाहें हो या रियासत गाहें हो, सियासत व क़यादत का मैदान हो, हर जगह पर फितने से भरा हुआ होगा। कि फितने इतने ज़्यादा हो जाएं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो उस ज़माने में फितने के दौर में आदमी का अपने ईमान पे डटे रहना ऐसा होगा कि हथेली में आग रखने के बराबर, हथेली में आग रखने के बराबर। और वाकई माने में आज वो दौर है कि अपने ईमान की सलामत के लिए, अपनी ईमान की हिफाजत के लिए जिद्दोजहद करना, ईमान पे डटे रहना, इस्लाम में इस्तेकामत दिखाना हथेली में आग रखने के बराबर है। फितना इतना बढ़ जाएगा कि कब्र के पास से गुजरने वाला इंसान ये कहेगा काश कि इस कब्र में मैं होता कितना अच्छा होता। कि फितने की अंधोनाकी और ख़तरनाकी को देखकर मौत की तमन्ना करेंगे। और हर आने वाला ज़माना पहले से गुज़रे हुए ज़माने से बुरा होगा। हर आने वाला ज़माना गुज़रे हुए ज़माने से बुरा होगा। किससे पहले कितना अच्छा था, आज हर आदमी के ज़ुबान पे यह है पहले की हालतें बहुत अच्छी थी, पहले के लोग बहुत अच्छे थे, पहले तो बहुत अच्छा था। जबकि देखो दुनियावी एतबार से साइंस टेक्नोलॉजी में लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं। और उसी से मिली हुई एक अलामत यह है कि इल्म का उठ जाना, इल्म उठ जाएगा। जबकि हम देख रहे हैं कि इल्म तो बहुत फैल रहा है। दुनियावी एतबार से साइंस और टेक्नोलॉजी की बात की जाए, ईजादात व इख्तराआत व इंकिशाफात की बात की जाए, नई नई चीज़ों को जन्म देने और उसके इनोवेशन की बात की जाए, तो हम देख रहे हैं कि आए दिन तो तरक्की हो रही है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म कम हो जाएगा। इल्म कैसे कम हो जाएगा, कहा कि देखो بقبض العلماء یا بنزع العلماء, دینی علم رکھنے والے علماء کم ہو جائیں گے, علماء وفات پا جائیں گے یا علماء کم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میدان میں لوگ آنا نہیں چاہیں گے, نہیں آنا چاہیں گے اس میدان میں۔ کیوں نہیں آنا چاہیں گے؟ ہماری اور آپ کی عادتوں کی وجہ سے, हमारे और आपकी आदतों की वजह से लोग इस मैदान में आना नहीं चाहेंगे। हम सोचते हैं कि आलिम सहाबा की तरह हो, और कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारी आदतें और अखलाक कैसे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लीडर और कायद हजरत उमर जैसे हो, और कभी हमने ये सोचा नहीं कि हम सहाबा की तरह हैं, हमारे भी आदत और अखलाक तो ऐसे होना चाहिए। तो इसकी वजह से उलामा कम हो जाएंगे, और उलामा जब कम हो जाएंगे, नबी ने फरमाया खुताबा ज्यादा हो जाएंगे, यानी स्टेज पर आकर बोलने वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे।
आज देखो उलामा इलाज कर रहे हैं और डॉक्टर लोग स्टेज पे बोल रहे हैं। उलामा क्या हो गया, सब झाड़ फूक में उतर गए, इलाज मुआलजा कर रहे हैं और स्टेज पे आके वो बोल रहे हैं जो आलिम नहीं है। और हम लोग दीन किसी डॉक्टर, किसी इंजीनियर और किसी ब्रदर से ले रहे हैं। ये ब्रदर्स का फितना बहुत बड़ा फितना है, दीनी इल्म दीनी उलामा से लेना चाहिए। उलामा कम हो जा रहे हैं, बोलने वाले, तकरीर करने वाले, वाज नसीहत करने वाले, चिकनी चपड़ी बेहतरीन अंदाज में बात करने वाले बहुत हो जा रहे हैं। यहां तक कि इतनी किल्लत हो जाएगी कि लोगों को फतवा पूछने के लिए कोई आलिम नहीं मिलेगा, तो वो बिदातियों से इल्म हासिल करेंगे, यानी जिनके पास पुख्ता इल्म नहीं होगा उनसे इल्म हासिल करेंगे। और आज जो जमाना हम देख रहे हैं कि हम लोग एक्चुअल उलामा के बजाय वर्चुअल उलामा से इल्म हासिल कर रहे हैं। हम जाकर गूगल है और दीगर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इनके जरिए से इल्म हासिल करते हैं और उसकी तहकीक भी नहीं करते कि यह सही है या नहीं है, या ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त अहबाब से, भाई बिरादरी से इल्म ले रहे हैं। तो ये इल्म के मैदान में, यानी दीनी उलूम के मैदान में लोग बहुत पीछे हो जाएंगे, जबकि दुनियावी एतबार से तो आगे बढ़ेंगे लेकिन उसका कोई हिसाब व किताब नहीं है। उसके बाद कयामत की अलामतों में से एक अलामत यह भी है कि झूठे लोगों का दावा बहुत हो जाएगा। झूठे लोग झूठ इतनी सफाई के साथ बोलेंगे कि सारी दुनिया वाले यकीन के साथ सुनेंगे। हां, और खयानत करने वालों को लोग अमानतदार समझेंगे, खयानत करने वालों को अमानतदार समझेंगे, झूठों की के झूठे वादे को सच्चा समझेंगे, और जो लोग अमानतदार हैं उनको खयानत करने वाले तसव्वुर करेंगे, और जो सच कहने वालों के बारे में लोगों को एतमाद और भरोसा नहीं होगा। और आज देखो ऐसे झूठे मक्कार दज्जाल लोग बहुत है, झूठ इतनी सफाई से बोलेंगे कि सारी दुनिया वाले आराम से सुनेंगे, यकीन से सुनेंगे कि हां भाई अच्छे दिन आएंगे, सब के सब यकीन कर लेंगे। नबी ने फरमाया ये दज्जाल है, याद रखो। बड़े दज्जाल के आने से पहले छोटे छोटे बहुत सारे दज्जाल आएंगे। दज्जाल के माने बहुत बड़ा धोखेबाज, तो बड़ा दज्जाल आने से पहले ऐसे छोटे छोटे दज्जाल बहुत आएंगे जो धोखा देंगे लोगों को, झूठ सफाई के साथ बोलेंगे। फिर इसी तरह से मेरे भाइयों, कयामत की छोटी अलामतों में से यह भी है, जैसे कि मैंने बताया कि माल और दौलत की फरावानी होगी, माल और दौलत की फरावानी होगी, और ये माल और दौलत की फरावानी भी बहुत बड़ा फितना है। पिछले सालों में हमने देखा है कि बेंगलोर में कैसे माल और दौलत का फितना सर चढ़ के बोला है। हर गली में एक नए सूरज की तरह एक नई कंपनी खुलती है और लोगों को दीन, ईमान, अल्लाह, रसूल, जमात, जमीयत, दाढ़ी, टोपी, आलिम, उलामा, मसाजिद, मराकिज, मदारिस, सेंटर, स्कूल के नाम पे कैसे लूटा है, बर्बाद किया है। हा? तो बेफिक्री से सोना भी बहुत बड़ी दौलत है, दौलत का ना होना भी बहुत बड़ी दौलत है, बेफिक्री से सोना भी बहुत बड़ी दौलत है। सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। हाँ, और कितने ऐसे दौलतमंद है, गरीब शहर ने तो भूखों से, गरीब शहर तो भूखों से मर गया, शहर का गरीब था भूख से मर गया, इलाज नहीं हुआ सो मर गया। अमीर शहर ने हीरों से खुदकुशी कर ली। हाँ, इतनी दौलत है उसमें भी सुकून नहीं है, दौलत के नशे में और दौलत के अंबार में हीरों से ही खुदकुशी कर ली है। दौलत का ना होना भी बहुत बड़ी दौलत है।
कितने दौलतमंद दौलत के नाम पे लोगों को परेशान किया, आज कितने परेशान है वो लोग, आज कितने हैरान हैं। तो माल का फितना भी बहुत बड़ा फितना है मेरे भाइयों, माल का फितना आखिरी जमाने में होगा। नबी ने फरमाया लिकुल उम्मतिन फितना व फितना तो उम्मती माल, हर उम्मत का खास फितना है, मेरी उम्मत का बहुत बड़ा फितना है, खास फितना है माल। नबी ने फरमाया मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम भूखे भूख से मर जाओगे, नहीं वो तो नसीब का मिलेगा, अलबत्ता जब दुनिया तुम्हारे ऊपर उंधेल दिया जाए, दौलत की फरावनी हो जाए, तब तुम आपस में एक दूसरे से लड़ोगे भिरोगे और उस वक्त तुम दीन से दूर हो जाओगे, दीन से दूर हो जाओगे। यही दौलत के नाम पे कितने लोगों ने अच्छे अच्छे वादे करके कहां कहां जाके घर में जाके खा के पी के रह के लोगों को कैसे कैसे धोखा दिया है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। इल्म और वसाइल इल्म में इजाफा होगा, नशर इशात के काम उरूज में होगा, यानी पेपर वर्क और इसी तरह से जो तबात प्रिंटिंग पेपरलेस भी ये सब बहुत ज्यादा हो जाएगा। आज देखो प्रिंटिंग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, इन सब चीजों से कितने नशर इशात के काम हो रहे हैं। ये जो ICT है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बहुत आगे हैं। नबी ने 1500 साल पहले बता दिया, लेकिन उसके बावजूद इन चीजों से लोगों को सुकून नहीं, और सुकून गारत होता जा रहा है, लोगों को सुकून नहीं है। लॉकडाउन के अय्याम में कितने बच्चे आंखों की रोशनी से महरूम हो गए, क्यों? उस स्क्रीन देख 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 कर आंख गई, बर्बाद हो गई। कितने बच्चे नौजवान जो बेंड हो गए हैं, यानी वो ऐसे झुक झुक के देख देख के कमर ये टेढ़ी हो गई है। हाँ, कितने आपको मैं ऐसे बताऊं, 14-15 साल 13-12 साल के बच्चे, उनको बैक पेन है। हाँ, इसी महफिल में मौजूद है, कितने ऐसे हैं। याद रखिए मेरे भाइयों, ये जो ये फितना है ना, मीडिया का फितना, नबी ने इसी के बारे में फरमाया मैं देख रहा हूं फितने बारिश के कतरों की तरह तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे हैं, फितने बारिश के कतरों की तरह तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे हैं। अहले इल्म ने लिखा है इससे मुराद ये इंटरनेट के जो रेज होते हैं ना, ये बारिश के कतरों की तरह। नबी ने फरमाया शहर हो या देहात हो, हर घर में ये फितना दाखिल होगा। अब तो देखो कि मोबाइल इंटरनेट इतना सस्ता है कि हर बच्चा बच्चा है जो उनके उनके स्कूल के खर्चे के लिए माँ बाप देते, वो बचा बचा कर रख कर क्या सोचते, मुझे 150 रुपये मिल गया तो एक सिम कार्ड आ जाता है, एक महीना मुझे कॉलिंग के साथ इंटरनेट फ्री मिल जाएगा। हाँ, पेट काट को इंटरनेट की फिक्र करता है। आज देखो ये फिंगरप्रिंट के फिंगर, इनको कहा जाता है कि फिंगर जनरेशन, आज की जनरेशन फिंगर पे सिर्फ क्लिक करो, ये करो वो करो। और याद रखो नबी ने फरमाया तुम्हारी उंगलियां भी गवाही देंगी, कल तुमने कहां कहां क्लिक किया है, ये उंगलियों के छाप वहां बैठे उंगलियां गवाही देंगी कि तुमने क्या क्या देखा, कहां कहां क्लिक किया है। कल रोजे कयामत बहुत सारे लोग आएंगे जो नमाज पढ़े, रोजा रख के, हज किए, जकात दिए, तिलावत किए, अस्कार किए, नेकियों के तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे, लेकिन जब तन्हाई में गए ऐसे गुनाह किए कि तन्हाइयों की गुनाह की वजह से उनकी सारी नेकियां बर्बाद हो गई है। तन्हाई में अगर आप गुनाह देखना चाहते हो अपने मोबाइल को निकाल लो, और आदमी कितने पानी का है उसके मोबाइल ले लो, लेने के बाद उसके गूगल हिस्ट्री चेक करो, उसके यूट्यूब हिस्ट्री चेक करो, और उसके गैलरी चेक करके देखो, पता चल जाएगा आदमी तन्हाई में कितना नेक मुत्तकी और परहेजगार है। जब आज का ये मामूली डिवाइस हमारी हकीकत को बता सकता है, अल्लाह जिसने इसको बनाने के लोगों को सलाहियत दी, कि अल्लाह ताला हमारे जिस्म में डिवाइस फिट नहीं कर सकता है, एक छोटी सी मेमोरी चिप सारी चीजों को रिकॉर्ड कर सकती है, अल्लाह हमारे साथ नहीं कर सकता है। अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल में फरमाया वकुल इंसान अलज़मनाहु तैरहु फी उनुकी, हर इंसान के गर्दन पे मैंने एक परिंदा लगा दिया है। हाँ, हमारे गर्दन पे परिंदा है जो चिप की तरह पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर रहा है, कल के दिन प्ले भी होगा, हमारे जिस्म और हमारी उंगलियां, हमारी आंख, जिस्म के आजा, चमड़े सब गवाही देंगे। इसलिए एहतियात के साथ कि हम क्या कर रहे हैं, तन्हाइयों के गुनाह से बचे और परहेज करें। हाजरीन गिरामी, आखिरी जमाने में
जो बातें होंगी उनमें से ये किया है कि शराब को लोग हलाल समझ लेंगे, शराब को हलाल समझ लेंगे। आज मुसलमान गैर तो दूर की बात है, मुसलमान टोपी दाढ़ी रख कर भी शराब पी रहे हैं। मैं आपको जो लोग इस फील्ड में है ना उनको पता है, आपको पता है कि वो जो गोशा हॉस्पिटल है आप उस तरफ से छोटी चार मीनार के अंदर से आएंगे तो एक ऐसे आके मेन रोड को ज्वाइन होता है, वहां पुलिस वाले आमतौर से ठहरे रहते हैं। तो एक दिन रात में पकड़े, पकड़ने के बाद एक साहब को पकड़े हैं, तो वो टोपी दाढ़ी वाले अच्छी बड़ी दाढ़ी वाले उन्होंने कहा कि सर मेरा चेहरा देखकर आपको लग रहा है कि मैं शराब पीऊंगा, वो जो मशीन है आके वो रख रहे हैं शराब पिया है कि। तो क्या बोल रहा मालूम है, हमको पता है कितने दाढ़ी टोपी वाले दाढ़ी रखकर टोपी पहनकर भी शराब पीते हैं, हमने पकड़ा है। हाँ, ये गैर की गवाही मेरे भाइयों। और मैंने नशे के ताल्लुक से ईशा के दर्स में बताया है जितने मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाके हैं वहां पर ड्रग्स का फितना, नौजवान नशे में चूर है, देखो ऐसे ऐसे फितने वहां पर है। स्कूलों तक स्कूल में ग्रेड 5 का बच्चा स्कूल के क्लासरूम में बैठ के ड्रग ले रहा है। हाँ, ग्रेड 5 का बच्चा बता रहा हूं मैं आपको, स्कूल के क्लासरूम में बैठ के ड्रग लेता है, अपने साथियों को चाकू से डराता है। हाँ, बोल देगा तो ये चाकू से चुबा दूंगा। हालत कहां तक पहुंच गई मेरे भाइयों। ग्रेड 5 का बच्चा कितने साल का होगा, ग्रेड 4 का बच्चा कितने साल का होगा, ये इस सिलसिले में हमें मेहनत करना है माशरे की इस्लाह के लिए। शराब नोशी आम हो जाएगी, नाम बदल बदल कर पियेंगे, शराब वही है बाटल दूसरा होगा। हाँ, नाम बदल बदल कर पियेंगे। आज के लिए आखिरी बात है कि शराब कभी अकेला नहीं, शराब के साथ शबाब और कबाब मिलके आते हैं। शराब के साथ शबाब यानी जहां शराब नोशी हो वहां जिनाकारी आम होती है, गाने बजाने के आलात वहां पर आम हो जाते हैं। और हमने देखा नबी ने यह भी फरमाया आखिरी जमाने में गाने बजाने का रवाज हो जाएगा, गाने बजाने आम हो जाएंगे। और आज हम देख रहे हैं हर जगह गाने बजाने, यहां तक कि मस्जिद भी खाली नहीं, नमाज के वक्त में भी इंसान रखता है हेलो टून रखता है। पागल आदमी है तू सुन रहा है हेलो टून, जो फोन कर रहा है उसको सुनाई देता है, पैसा तू पे कर रहा है। अजीब तमाशा, शैतान देखो कैसे इंसान के दिमाग को ट्विस्ट करता है। अरे तू गाना रखा है किसको सुना रहा है, जो आदमी सुनना नहीं चाहता है फोन किया और वो गाना बज रहा है, किसको सुना रहा है, किसी और को। सुन तो तू नहीं पा रहा है, गुनाह एक तो खरीद रहा है और किसी और को भी गुनहगार बना रहा है। हालत देखो अजीब तमाशा है। लिहाजा इन बातों से हमें परहेज और गुरेज करना चाहिए। गाने बजाने के आलात के साथ उरियानी फहाशी आम होती है कि इतने ज्यादा उरियानियत आम हो जाए कि धड़ल्ले से आदमी जिना करेंगे, गलत काम करेंगे, कोई बोलने वाला नहीं होगा। सबसे अच्छा इंसान उस वक्त होगा कि जो कहेगा कि भाई इतनी जुरात कर लेगा, जरा आड़ में जाकर कर लो। यहां आज किसी को हिम्मत है किसी पार्क में गली कूचों में लड़का लड़की जो है गलत काम कर रहे हो आपको बोलने की जरूरत है? बैठे बैठे वो जो है पार्कों में क्या क्या काम होते हैं आपको बोलने की हिम्मत है? अगर वो 18 साल की है, ये 23 साल 22 साल का है, अगर आपने जाके कुछ कहा वो केस कर देंगे, आपके खिलाफ केस हो जाएगा। हालात ये देखो कि बेटी जिसको पाल पोस के बड़ा किया, अगर वो 18 साल की है किसी और के साथ चली जाए अपनी मर्जी से, तो उस वक्त आप लाख कोशिश कर लो माँ बाप का कुछ नहीं चलेगा, माँ बाप का कुछ नहीं चलेगा। एक तो उनकी इज्जत नाक काट के वो चली गई है, अब कोई जोर नहीं, 18 साल की मैच्योर है, वो जो चाहे कर सकती है। बगैर शादी के 10 गर्लफ्रेंड्स 10 बॉयफ्रेंड्स रखो जुर्म नहीं है, और अगर हलाल तरीके से 2 बीवी रखो तो ये जुर्म है, ये जुर्म है। तमाशा देखो क्या है, कैसे तमाशा बना रखे और ऐसे कानून की तरफ लोग जा रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह तबरक तआला हमें और आपको फितने के दौर से महफूज रखे, ईमान की सलामत और हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।